हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी लैंडमार्क के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि लैंडमार्क क्या होता है और इसमें हम क्या डाल सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लैंडमार्क का मतलब क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे आपको लैंडमार्क डालने के लिए बोला जाता है। तो इस लैंडमार्क का मतलब क्या होता है और वहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, सो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लैंडमार्क आपको कहाँ पे डालने के लिए बोला जा सकता है। देखिए, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं या फिर अगर आप कोई एड्रेस भर रहे हैं जहाँ पे आपके एड्रेस का ज़रूरी है, वहाँ पे आपको लैंडमार्क पूछा जाता है। और लैंडमार्क का मतलब होता है कि आपके आसपास में, आपके नज़दीक में, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, जहाँ भी, जिस गली में भी आप रहते हैं, उसके आसपास में कोई भी एक फेमस चीज़ का नेम वहाँ पे डालने के लिए बोला जाता है। लैंडमार्क का मतलब ही यही होता है। चलिए आपको एक मिनट के लिए दिखा देते हैं। जैसे क्रोम यहाँ पे ओपन करते हैं तो जैसे फ्लिपकार्ट ही हो गया, तो फ्लिपकार्ट में अगर हम अपना एड्रेस जो भरते हैं उसमें यहाँ पे इस तरह से एक लैंडमार्क का ऑप्शन रहता है और यहाँ पे हमें बोला जाता है लैंडमार्क डालने के लिए। तो लैंडमार्क के जगह पे आप डाल सकते हैं जैसे टेम्पल हो, मंदिर हो, या फिर कोई पुलिस स्टेशन हो, या फिर कोई कॉलेज, या फिर स्कूल, या फिर कुछ भी जो भी पॉपुलर हो, जो सभी लोग जानते हो, वही यहाँ पे डालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके घर के आसपास में जो भी पॉपुलर है वो आप वहाँ पे लैंडमार्क पे डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने टेम्पल डाल दिया है, तो इसी तरह से, तो यही लैंडमार्क का बेसिकली मतलब यही होता है।